जल निस्तारण न होने पर होगी तालाबंदी, भाकियू स्वराज। भारतीय किसान यूनियन स्वराज जिलाध्यक्ष संदीप पाठक के निर्देशन में युवा मोर्चा टीम ने जल एवं अन्य जन समस्याओं के संदर्भ में विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बृहस्पतिवार को विकास खंड तालग्राम कार्यालय तेराजा केट पर किसान यूनियन स्वराज के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष नीरज दुबे के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने दर्जनों युवाओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जल एवं अन्य जन समस्याओं के संबंध में चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीओ पंचायत रवि प्रताप व एडीओ समाज कल्याण सुबोध कुमार कटियार को सौंपा, जिसमें ग्राम मुरादगंज में पानी की टंकी पर कार्यरत कर्मचारी की लापरवाही से घंटों हजारों लीटर जल प्रतिदिन बर्बाद होता है, जिसका संज्ञान लेकर मौजूद कर्मचारी को तत्काल निष्कासित करने, ग्राम पनीगवा में पानी की टंकी होने के बावजूद जल का संचालन न होने अभी भी नहीं हो रहा है, जिसको तत्काल सुचारू रूप से शुरू कराने, ग्राम कबीरापुर में मलमूत्र युक्त गंदा जल खुली नालियों में प्रतिदिन बहाव सहित ग्राम नैनपुर में सड़क नाली दुरुस्त कराने जैसी मांग रखी। इसके साथ समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस मौके पर ब्लॉक प्रभारी अरविंद सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष राज यादव, ग्राम पंचायत अध्यक्ष शमी अहमद, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष आसिफ, ग्राम पंचायत अध्यक्ष आदाब खान आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए विकास पटेल के साथ धर्मेंद्र पटेल की खास रिपोर्ट।